गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, एक अच्छी सुबह। लेकिन भारत में दलितों के लिए कोई अच्छी सुबह बहुत मुश्किल से आती है। शायद ही दलितों की कोई सुबह ऐसी हो जब उनके साथ बर्बरता और हैवानियत की खबर ना आती हो। आज की सुबह भी अपने साथ एक दिल दहला देने वाली खबर लेकर आई है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर जिले के रेजेंसी अस्पताल से आई हैं और स्ट्रेचर पर पड़ी बच्ची फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस बच्ची को बेहद गंभीर हालत में उन्नाव से कानपुर शिफ्ट किया गया था। योगी राज में यूपी का उन्नाव बेटियों के लिए जैसे कब्रगाह बन गया हो, एक के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला उन्नाव के असोहा थाना एरिया के बबुरहा गांव का है, जहां तीन दलित बच्चियों को खेत में बंधी हुई हालत में पाया गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबुरहा गांव के दलित परिवार की तीन बेटियां खेतों में दुपट्टे से बंधी मिली। इनमें से दो बच्चियों की मौत हो चुकी थी और तीसरी बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। तीनों बच्चियां दोपहर बाद खेत में चारा लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस के मुताबिक जब परिवार वालों ने उन्हें ढूंढा तो तीनों अपने ही खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली। इनमें से एक बच्ची 16 साल की थी और दूसरी महज 13 साल की थी। इन दोनों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 साल की तीसरी लड़की अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है। उन्नाव पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि जहां से बच्चियों को बरामद किया गया वहां काफी झाग भी मिले हैं, जिससे जहर लेने या जहर देने की आशंका है। असोहा थाने में आज तीन लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से दो की वहां पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहां पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी तरह के यौन हमले या बलात्कार की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि इन बच्चियों के साथ रेप किया गया है। उन्नाव से समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि इन बच्चियों से रेप के बाद उनकी हत्या की गई है। उन्होंने लिखा, आज उन्नाव में तीन दलित नाबालिग बच्चियों की दुष्कर्म और हत्या की खबर ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति पर कालिख पोतने का काम किया है। अपराधियों बलात्कारियों की जयकारे लगाकर सत्ता का संरक्षण देने वालों के राज में इससे विभत्स व शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पुलिस ओनर किलिंग समेत तमाम पहलुओं से जांच करने का दावा कर रही है, लेकिन यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लोग इस केस की एकमात्र गवाह को बचाने की गुहार लगा रहे हैं और उसे तुरंत दिल्ली एम्स में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। रात भर सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग सेव उन्नाव की बेटी #हैशटैग चलाते रहे। हजारों लोगों ने इस बारे में ट्वीट कर पीड़िता की जान को खतरे की आशंका जाहिर की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर लिखा, उन्नाव केस की एकमात्र बच्ची का बेहतर इलाज व उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। बच्ची को तत्काल एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली लाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधियों को संरक्षण व अपराधियों के मामले में सरकार की कार्यशैली को देश हाथरस कांड में देख चुका है। वही विचारक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा, एक बच्चे की जिंदगी बचानी है, उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स तत्काल लाया जाए। हाथरस की घटना की तरह इस बार देर न की जाए। वहीं गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बच्चियों के शव ना लेने की अपील की है। जहां कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, योगी के राज में, अभी सूचना मिली है कि उन्नाव में तीन दलित समुदाय की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी, उसमें से दो दलित बहनों की लाशें पेड़ के साथ टंगी हुई बांधी गई है। दोनों बहनें मर गई है, दोनों बहनें मर चुकी है, उनकी हत्या हुई है और एक तीसरी बहन अपने जीवन और मरण के बीच के खड़ी है, अपने जीवन के लिए जूझ रही है। मैं सारे दलित बहुजन समुदाय के साथियों को अपील करता हूं कि दो बहनों के डेड बॉडी का तब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होनी चाहिए जब तक एक SID का गठन न हो निष्पक्ष जांच के लिए,
सारे कसूरवारों की गिरफ्तारी हो और उसके भी पहले हर कीमत पर यूपी सरकार यदि तनिक भी ये शर्म उनके अंदर बाकी है तो हर कीमत पे कुछ भी करके ये एक बहन जो अपने जीवन और मरण के लिए जूझ रही है उसकी जान को बचाया जाए। मैं तमाम यूपी वासियों को अपील करता हूं, केवल दलित बहुजनों को नहीं सारी यूपी की जनता को अपील करता हूं, अब तो आपको योगी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि हाथरस केस में पीड़िता की जान सिर्फ इसलिए नहीं बचाई जा सकी थी क्योंकि उसे वक्त रहते सही इलाज नहीं मिल पाया था। यहां तक कि उसका मेडिकल भी कई दिन बाद हुआ, जिसके आधार पर यूपी पुलिस ने तो ये तक कह दिया था कि हाथरस पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं है। आपने हाथरस पीड़िता को आधी रात में पेट्रोल छिड़क कर रद्दी की तरह जला देने वाली योगी की पुलिस का चेहरा भी देखा होगा। ऐसे में लोगों के मन में ये डर स्वाभाविक है कि यूपी में उन्नाव की बच्ची के साथ उसकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो सकती है, इसलिए उसे तुरंत दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए। बहुजन रात भर जाग रहे थे लेकिन मनुवादी मीडिया के किसी चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया। जाति देखकर बोलने वाला मनुवादी मीडिया हाथरस की तरह इस केस में भी चुप है। फिलहाल खबर यह है कि पीड़ित परिवार को पुलिस ने एक तरह से नजरबंद कर रखा है और उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। वारदात वाली जगह को भी पुलिस ने घेर लिया है और वहां किसी को नहीं जाने दे रही। ऐसे में बहुजन समाज के साथ साथ पूरे यूपी और देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि बेटियों को देवी की तरह पूजने वाले इस मुल्क के लोग इस दलित बेटी की जिंदगी बचाने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने के लिए साथ आएं। इस खबर पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारी अपील है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।